So guys, very good evening and a very warm welcome on Baiju's exam prep. So I hope आप लोग मस्त हैं, जबरदस्त हैं और स्वस्थ हैं, राइट? तो फिर आज क्या है एक्शन प्लान? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हर वेंसडे और फ्राइडे हमारी मुलाकात होगी लाइव ऑन यूट्यूब एंड हियर आई एम अगेन विद यू गाइस एंड दी एजेंडा इज वेरी क्लियर. आपके सामने बाजू में लिखा हुआ है कि क्या करने वाले हम आज. तो आज दोस्तों हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन के बारे में डिस्कशन. मैं आपको बता दूं, ओवर द पास्ट 4 to 5 ईयर्स के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को स्कैन करा है और उसके बाद एक जो कॉमन बात निकल के आई है वो सामने ये निकल के आई है कि अगर हम बात करें अपने एग्जामिनेशन की, तो अगर हम बात करें इस एग्जामिनेशन की, तो इस यूनिट से, बल्कि इस टॉपिक अकेले से, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और डिजाइन, तो इस टॉपिक से अकेले से 2 क्वेश्चंस जो हैं आने ही आने हैं. तो 2 क्वेश्चंस आर श्योर टू कम फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन. तो 2 क्वेश्चंस पक्के ही पक्के हैं आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं. यूनिट 1 का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है. साथ ही साथ अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का यूनिट की तैयारी कर रहे हैं, दैट विल बी यूनिट 2 आई बिलीव, उसके लिए भी आई वुड सजेस्ट दैट यू गो थ्रू दिस टॉपिक इन एडवांस. पहले आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन को समझें और इससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट को समझें, उसके बाद जो है आप आगे बढ़ सकते हैं और उसके बाद जो है आप अपना ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वाला यूनिट भी पढ़ सकते हैं. मेरे को 1 सेकेंड दीजिए, सीम्स सम इशू विद माय राइटिंग इक्विपमेंट, तो मैं एक बार देख लूं कि कहीं कोई और दिक्कत ना हो रही हो, बिकॉज ओके, नो वरीज. तो कौन कौन आ गया है? करण, रजनी, सौभिक, वेरी गुड इवनिंग. आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन. तो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन की. अब क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं. सबसे पहला तो यही फर्क पूछ लेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है. उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के फीचर्स और ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन के फीचर्स क्या क्या है. Then the various types of organization structures will be asked. और वहां पर आपसे मैचिंग के रूप में भी पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट के रूप में भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको एक छोटा सा केस लेट दिया जा सकता है जहां पर इस तरीके से डिस्कशन हो सकता है. तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले वी विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज. मीनवाइल दीपा जी, गुड इवनिंग. कृष्णा जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग. सौभिक, आपको फिर से एक बार गुड इवनिंग. तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर जैसे कि हिंदी में हम समझते हैं ढांचा. तो अब क्यों जरूरत है हमको एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाने की? तो बच्चों बड़ी खास बात यहाँ पर आपके सामने है. मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आप ये इमेजिन करो कि क्या सारी ऑर्गेनाइजेशंस एक जैसी होती हैं? नहीं. क्या सारी ऑर्गेनाइजेशंस में काम एक जैसा होता है? नहीं. क्या सारी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही जैसी होती है? नहीं. क्या सारी ऑर्गेनाइजेशंस छोटी या बड़ी साइज में एक जैसी होती है? नहीं. आप इमेजिन करो एक छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्वालिफाई करेगा, और एक बहुत बड़ा सा एक कॉरपोरेट सेटअप, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिफाई करेगा, या एक ऐसी कंपनी जो लार्जली मैन्युफैक्चरिंग में जोर लगाती है, एंड इट्स बेसिक टारगेट इज टू डू मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स लाइक बजाज ऑटो, ये भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन बजाज ऑटो एक नहीं बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही है. या फिर ये भी हो सकता है कि एक और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही है, अ कंपनी में भी लाइक नेस्ले विच इज इनटू एफएमसीजी, वहां पर अलग तरीके से सेल होती है, अलग तरीके से सेलिंग होती है, अलग तरीके से हम प्रोडक्ट को अवेलेबल कराते हैं. लेकिन वहीं पर अमेज़न एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, वहीं पर एक कंपनी ले टीसीएस. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा विल डिपेंड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स. स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा. तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से हम क्या समझते हैं. तो स्ट्रक्चर शोज और रिवील्स द एस्टैब्लिशमेंट पैटर्न
पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप अमंगस्ट दी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से आपस में रिलेटेड हैं, ये बात हमको बताता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. सो इट इज बेसिकली अ चार्ट ऑफ रिलेशनशिप्स अमंगस्ट वेरियस एक्टिविटीज एंड वेरियस पोजिशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके की जो एक्टिविटीज हो रही है वन, या फिर अलग अलग पोजिशंस पे जो लोग हैं वो, उनके बीच में किस किस तरीके से रिलेशनशिप है वो हमको बताते हैं. अब कहीं अलग अलग एक्टिविटीज होंगी, कई सारी कंपनीज में R&D होगा, सेल्स होगा, ऑपरेशंस होगा, फाइनेंस होगा, रिसर्च होगा, मल्टीपल हो सकता है. किसी और कंपनी में अलग तरीके के एक्टिविटीज हो, पोजीशंस भी अलग अलग हैं. कोई स्ट्रक्चर में हमको बहुत सारे लेवल्स देखने को मिलते हैं. अगर हम बैंकिंग के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम अ प्यून टू अ क्लर्क टू एन ऑफिसर टू अ सीनियर ऑफिसर टू अ मैनेजर टू अ सीनियर मैनेजर टू अ चीफ मैनेजर टू अ AGM DGM JGM, बहुत सारे लेवल्स हैं. क्यों? क्योंकि तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए इसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है. तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज और पोजीशंस के बीच का रिलेशनशिप डिफाइन करता है एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर डिफाइन करता है एक ऐसा सिस्टम जहां टास्क को इकट्ठा किया जाता है और साथ में सिंक्रोनाइज किया जाता है, जिससे कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स और आसानी से हो सके और ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम की तरह काम करे. तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर उसके स्केलेटन को रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरीके से अलग अलग कंपोनेंट्स जुड़े हैं. अब आती है कि बात की व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ अ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. जब आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि व्हाट इज दी रेलेवेंस ऑफ हैविंग अ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सरल होना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए. जब कोई नया इम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के संग जुड़ता है उसको आसानी से समझ में आए. जब कोई नया सीनियर आता है तो उसको भी पता हो कि मेरे नीचे क्या स्ट्रक्चर है, और बाहर के लोगों को भी समझ में आए कि ये कंपनी किस तरीके से काम करती है. तो सिंपल होना चाहिए. साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल हो और कंटिन्यूटी हो. इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि समय के साथ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बदलाव किए जा सके. ऐसा ना हो कि इतना रिजिड स्ट्रक्चर हो जाए कि उसमें हम कुछ भी चेंजेस ना कर पाए. अगली बात आती है कंटिन्यूटी की. कंटिन्यूटी का मतलब है कि फ्लो बना रहे. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, एक एम्प्लॉय है, तो आपका बॉस कौन है, उसका बॉस कौन है, उनका बॉस कौन है? अल्टीमेटली आप ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी हिस्से पे हो, अगर आपके बॉस 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 को ट्रेस करें तो कंपनी के सीईओ एमडी तक पहुंच जाना चाहिए. ऐसे नहीं कि आपका बॉस है और उसका बॉस है, उसके बाद उसे पता ही नहीं मेरा बॉस कौन है. तो यहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी और यहाँ पे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ना तो डाउनवर्ड ना ही अपवर्ड हो ही नहीं पाएगा. इसीलिए अच्छे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कंटिन्यूटी होना चाहिए. उसके बाद देयर शुड बी अ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी. आपका एग्जैक्ट सुपीरियर कौन है, आप किसको रिपोर्ट करते हो, आप किसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जय श्री कृष्णा प्रेरणा जी. तो क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी का होना बहुत जरूरी है. उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड. हेनरी फेयोल का कंसेप्ट यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा. देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वेरी क्लियरली विजिबल. हु सिंगल पर्सन गिविंग एन ऑर्डर टू अ सबॉर्डिनेट, और सारे सबॉर्डिनेट्स मिलके एक डायरेक्शन में काम करें. एंड देन देयर शुड बी लेसर नंबर ऑफ मैनेजेरियल लेवल्स. बहुत सारे मैनेजेरियल लेवल्स है, ऑर्गेनाइजेशन की काम करने की स्पीड एफिशिएंसी हैम्पर होती है, खर्चा बढ़ता है और रिजिडिटी आती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती. एंड एक कॉम्पिटेंट टॉप मैनेजमेंट होना चाहिए, और टॉप मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो पूरी तरीके से वेल कनेक्टेड हो नीचे के स्ट्रक्चर से. कई बार ये भी दिक्कत होती है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है तो एम्प्लॉयज जो है उनको लगता है कि हम सीनियर्स तक अपनी बात ही नहीं पहुंचा पा रहे, या इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कनेक्ट विद दी सीनियर मोस्ट पीपल इन दी ऑर्गेनाइजेशन. द रीजन इज बिकॉज द टॉप मैनेजमेंट इज काइंड ऑफ डिटैच्ड विद द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो दैट शुड नॉट बी इन अ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी डिजाइंड सो दैट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज एम्ड टूवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल्स. ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन का कुछ हिस्सा तो किसी और तरीके से काम कर रहा है, कुछ और हिस्सा किसी और ही तरीके से काम कर रहा है. आपस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, और म्यूचुअल एफर्ट्स भी आइडेंटिफाइबल हो
और लोग जब म्यूचुअल एफर्ट्स लगाएं तो वो समझ में भी आए. तो दीज आर सर्टन फीचर्स और मस्ट टू हैव फीचर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. सो नाउ गिवन दिस अंडरस्टैंडिंग एंड द एक्सप्लेनेशन दैट आई हैव गिवन यू फॉर ईच ऑफ दीज पॉइंट्स, नाउ देयर कुड बी मेनी क्वेश्चंस बिल्ट अराउंड दिस. सो यू कैन हैव अ सेंटेंस व्हिच इनकॉर्पोरेट्स दीज टॉपिक्स और दीज फीचर्स एंड दे कैन आस्क भी इनमें से कौन सा एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का हिस्सा होना चाहिए या इनमें से कौन सा एक फीचर अच्छे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का नहीं हो सकता. तो इससे आपको एक प्रेमाइस मिलेगा. आगे बढ़ते हैं. अब अगर मैं बात करूं कितने तरीके के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो सकते हैं, हालांकि यहां मैंने कुल 13 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स का लिस्ट लिखा है, बट दैट डज नॉट मीन के केवल 13 ही होते हैं. जनरली इतने सारे हो सकते हैं, इससे भी कुछ अलग हो सकते हैं. अब आप देखिए, अगर आज से 10-15 साल पहले की मैं बात करता तो एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एग्जिस्टेंस में ही नहीं था. वर्चुअल से मतलब है सब कुछ वर्चुअली ओवर द इंटरनेट कनेक्टेड रहना, फिजिकली ना आमने सामने प्रेजेंट हो बट वर्चुअली कनेक्टेड हो. आज की डेट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट कर रही हैं. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस तो बोलती हैं कि वी आर ओनली वर्किंग ऑन वर्क फ्रॉम होम मॉडल, हमारा तो कोई ऑफिस ही नहीं है, सब लोग अपने अपने रिमोटली अपने अपने इंटरनेट से काम कर रहे हैं, अपने अपने घर से या जहां से भी काम कर रहे हैं. सो इफ देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर मॉडल, इट विल बी कॉल्ड एज अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. सो दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स वर नॉन एग्जिस्टेंट से मे बी 20-25 इयर्स अगो, बिकॉज द टेक्नोलॉजी वॉज नॉट सपोर्टिव इनफ, राइट. तो जैसे जैसे समय इवॉल्व होगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, यू हैव टू कीप इन टू माइंड दैट देयर विल बी एन एवोल्यूशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑल्सो. आई विल गिव यू सम फूड फॉर थॉट. अभी बहुत सारी कंपनीज मिलकर मेटा यूनिवर्स बना रही है, जिसको बोल रहे हैं मेटावर्स. हाल ही में मीटिंग हुआ था जिसमें फेसबुक था, माइक्रोसॉफ्ट था, वो आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं कि अगर हम मेटावर्स बनाएंगे तो क्या स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे. उस मीटिंग में एप्पल नहीं गया, आई डोंट नो क्यों नहीं गया, बट नहीं गया. तो कहने का मतलब है आप सोचो कि मेटावर्स बन जाएगा, यानी कि वर्चुअल रियलिटी का एक पूरा का पूरा यूनिवर्स रहेगा. अब मीटिंग हो सकता है वहां हो, तो हो सकता है मेटावर्स के हिसाब से कोई कल को नया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इवॉल्व हो जाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट. सो विद टाइम द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स कीप ऑन इवॉल्विंग, नंबर वन. दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस पे भी डिपेंड करेगा कि कंपनी का साइज क्या है, कंपनी किस तरीके के प्रोडक्ट या किस तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज करती है, कंपनी किस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, कंपनी में हमें किस हद तक कंट्रोल और सुपरविजन चाहिए, कंपनी में कितने इंप्लॉयज हैं और कंपनी किस डोमेन में काम करती है, राइट. तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं ये डिसाइड करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या हो. इन जनरल वी कैन हैव अ लुक एट दीज 13 स्ट्रक्चर्स. तो आपको ये 13 स्ट्रक्चर्स का अंडरस्टैंडिंग पूरा क्लियरली पता होना चाहिए. क्लासरूम सेशंस में हम पूरे के पूरे 13 स्ट्रक्चर्स डिटेल में बताते हैं, लेकिन यहां पर भी मैं आपको एक थोड़ी सी ग्लिम्स दूंगा कि किस स्ट्रक्चर में क्या होता है, जस्ट टू गेट एन आइडिया अबाउट इट, राइट. तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिल्कुल एक लाइन की तरह होता है. एक बॉस होता है, उसका सबॉर्डिनेट होता है, उसके नीचे होता है, उसके नीचे होता है, इस तरीके से लाइन स्ट्रक्चर होता है. फिर फंक्शन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अलग अलग फंक्शंस को कंसिडर करते हुए भी आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. उसके बाद लाइन और स्टाफ, इसमें इन दोनों को इनकॉर्पोरेट करके हमने एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एक कदम आगे ले गए, जिसमें हमने स्टाफ को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया. अभी निश्चिंत रहिए, मैं आपको स्टाफ भी एक्सप्लेन करूंगा, सो डोंट वरी. उसके बाद आता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास मल्टीपल डिविजन होती है, उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. फिर एक मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक मशीन की तरह देखते हैं, सिस्टम होंगे, पार्ट्स होंगे, बहुत ही वेल डिफाइंड एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में. फिर होगा एक वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये एक बहुत ही लंबा और ऊंचा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा. उसके बाद आपको देखने को मिलेगा हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. गुड इवनिंग कोमल एंड कौशिकी, कैसे हैं. उसके बाद आपको देखने को मिल सकता है एक हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, विच कुड बी अ मिक्सचर ऑफ एनी ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. यू कैन ऑल्सो गेट टू सी अ मेट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कमेटी और टास्क फोर्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इन द एंड एन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर. एंड प्लीज ट्रस्ट मी, फॉर द लास्ट 4-5 इयर्स आई हैव गॉन अक्रॉस ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस.
ये सारे के सारे पूछे गए हैं। तो अगर आप मुझसे पूछोगे सर इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूंगा बेटा जी सारे ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑलमोस्ट ईच वन ऑफ देम हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस 4 to 5 years, राइट। सो नाउ आई एम गोना क्विकली टेक यू थ्रू द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स टू गिव यू बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट गोज वेयर। सो एंड अ लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज बेस्ड ऑन अ वर्टिकल लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। तो जैसे मान लीजिए छोटी सी किसी की डिपार्टमेंटल स्टोर है, एक स्टोर ओनर होंगे, उसके नीचे उनके एक सुपरवाइजर होंगे और उसके नीचे एक दो एम्प्लॉइज होंगे। लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इट इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, वेरी यूजफुल फॉर वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, गॉट इट। उसके बाद जब ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, और ये बेसिकली वही काम आता है जब बिजनेस एक ही तरीके का एक ही जैसा काम कर रहा हो और मोर और लेस एक ही तरीके के प्रोडक्ट में इन्वॉल्व। अमे हाउ आर यू, वेरी गुड इवनिंग गाइस। चलो उसके बाद आते हैं फंक्शन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नाउ दिस इज वेयर यू आर डीलिंग विद मोर देन वन फंक्शन। सो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ग्रुप्स वर्कर्स बेस्ड ऑन देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो दिस स्ट्रक्चर इज एन एक्सटेंशन ऑफ द लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक लाइन ना होके आपके पास अलग अलग लाइन हो फॉर एवरी फंक्शन। उसके बाद आपको देखने को मिल सकता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे दो वर्ड्स बड़े क्रूशल हैं, लाइन और स्टाफ। अभी लाइन से क्या मतलब है और स्टाफ से क्या मतलब है। तो अगर एक इंप्लॉई है और उसका एक सुपीरियर है, जैसे मान लीजिए कि एक प्रोडक्शन फ्लोर है, एक सुपरवाइजर है और उसके नीचे एक वर्कमैन है, तो वर्कमैन डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहा है सुपरवाइजर को और सुपरवाइजर डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहा है मैनेजर को। तो ये क्लियर कट अथॉरिटी यहाँ डिफाइंड है कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, तो ये एक लाइन को डिनोट करेगा। लेकिन जब हम स्टाफ की बात करते हैं तो स्टाफ जो है जनरली एक सपोर्ट फंक्शन की तरह काम करता है। तो यहां पर लाइन एंड स्टाफ फंक्शन इज बेसिकली अ मॉडिफिकेशन ऑफ द लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन में हम स्टाफ को और इन्वॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे फंक्शनल स्पेशलिस्ट वर्क विद द लाइन मैनेजर। तो अगर मान लीजिए कि कोई प्रोडक्शन यूनिट है, कहीं स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है मान लीजिए, और फ्लोर है और फ्लोर पे स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है, आपके पास सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के नीचे बहुत सारे वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर के ऊपर मैनेजर है, लेकिन उस सुपरवाइजर या मैनेजर को असिस्ट या हेल्प करने के लिए एक टेक्निकल स्टाफ है। हो सकता है अगर वो ऑटोमेटेड मशीन है तो एक आईटी का बंदा भी है, हो सकता है एक बंदा क्वालिटी कंट्रोल का भी है। अब ये बंदों के नीचे कोई और टीम नहीं होगी, लेकिन ये क्या करेंगे, ये मैनेजर को हेल्प और सपोर्ट करेंगे कि सर ये मैं आपको इस डोमेन की हेल्प दूंगा क्योंकि मैं क्वालिटी कंट्रोल में स्पेशलिस्ट हूं, मैं प्रोडक्शन में स्पेशलिस्ट हूं, मैं इस तरीके से स्पेशलिस्ट हूं। वो आपको क्या करेंगे, तो इस तरीके के एम्प्लॉयज जो है वो स्टाफ के अंदर आएंगे, ना कि लाइन के अंदर, क्योंकि उनके नीचे कोई डायरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं है। सो दी स्टाफ में भी दो कैटेगरीज आपको में देखने को मिलेगी, एक जनरल स्टाफ और एक स्पेशलाइज्ड टीम। जनरल स्टाफ से मतलब है कि वो ऑर्डिनरी एम्प्लॉयज दैट असिस्ट द टॉप मैनेजमेंट। आपने देखा होगा सेक्रेटरीज, आपने देखे होंगे क्लेरिकल स्टाफ, आपने देखे होंगे इस तरीके के लोग जो बिल्कुल कॉमन है। सिंक्रोनाइजेशन मतलब सिंक में काम करना, जैसे कि घड़ी के हिस्से चलते हैं सिंक में, अगर एक पुर्जा हिलेगा तो दूसरा भी हिलेगा, दूसरा हिलेगा तो तीसरा भी हिलेगा, हम बोलेंगे तीनों सिंक में काम कर रहे हैं, तीनों सिंक्रोनाइज्ड हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो जनरल स्टाफ यानी कि उन्हें कहीं भी यूज किया जा सकता है। तो भैया आज मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ, कल मैं वहां का सेक्रेटरी हूँ, आज मैं यहाँ पे क्लर्क हूँ, कल मैं वहां क्लर्क हूँ। लेकिन स्पेशलाइज्ड स्टाफ क्या हो गया, ये एक्सपर्टीज इनकी होती है एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में या किसी स्पेसिफिक फंक्शन में। तो हो सकता है आपको क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक स्पेशलाइज बंदा मिल जाए, आपको आईटी के लिए स्पेशलाइज बंदा मिल जाए, आपको फाइनेंस के लिए एक स्पेशलाइज मिल जाए। तो ये हो गया हमारा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। उसके बाद डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये कहाँ आएगा, ये बहुत बड़ी कंपनीज में आएगा और ऐसी कंपनीज में आएगा जहां पर अलग अलग डिविजन है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलूँ टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स बहुत सारे डिवीजन चलाता है। सबसे पहले तो आजकल उनका सबसे प्यारा और नया बेबी इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी डिवीजन, फिर उनका पैसेंजर कार डिवीजन, फिर उनका हैवी कमर्शियल व्हीकल वाला डिवीजन जो बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं, फिर उनका लाइट कमर्शियल व्हीकल डिवीजन जिसमें आप टाटा एस छोटा हाथी देखते हो। अब हर डिवीजन का पूरा एक स्ट्रक्चर अलग ही होगा। तो पैसेंजर कार का एक अलग R&D, एक अलग फाइनेंस, एक अलग मार्केटिंग, एक अलग सेल्स,
ईवी के लिए भी सारी की सारी टीम पूरी की पूरी अलग, यानी कि ये अपने आप में कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास बहुत सारे डिविजन्स हैं तो हर डिवीजन का एक इंडिपेंडेंट सेट ऑफ टीम होगा जो एक जैसे काम कर रहे होंगे। तो R&D, ऑपरेशंस, फाइनेंस सारे डिवीजन्स में हमको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके के डिविजनल स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और मैंने बताया ये उस तरीके की कंपनीज के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है जो बहुत सारे डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बना रही है। सैमसंग को देख लीजिए, वहां पर भी आपको डिविजनल स्ट्रक्चर देखने को, एक डिविजन व्हाइट गुड्स में काम करेगी, दूसरी डिवीजन हो सकता है मोबाइल फोन में काम करे, तीसरी डिवीजन हो सकता है टेलीविजन में काम करे। तो हर डिवीजन के लिए आपको एक अलग कंप्लीट सेट ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मैकेनिस्टिक यानी कि मशीन, मशीन से मतलब क्या है, यहाँ पे बिल्कुल ही क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर होगा। ऑर्गेनाइजेशन को हम एक मशीन की तरह ट्रीट करेंगे, बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स, रूल्स और कमांड होगा यहाँ पर, बिल्कुल एकदम प्रॉपर। तो काफी हद तक जैसे कि हमारे डिफेंस फोर्सेस होते हैं जनरली, वो काफी हद तक इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से मेल खाते आपको मिलेंगे। एकदम एक एक बंदे के यहाँ पे लिखा होगा, भैया नायब सूबेदार है, सूबेदार है, सिपाही है, ल्यूटेनेंट है, क्या है, सब कुछ क्लियरली बहुत ही स्पेसिफिकली डिजाइंड होगा। हर बंदे का जॉब रोल भी डिफाइंड होगा। उसके बाद आता है वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो वर्टिकल यानी कि एक टॉल, वर्टिकल की जगह कई बार आपको टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा। ये कुछ कुछ आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यानी कहने का मतलब है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो बहुत ही ऊंचा है, जनरली उन बिजनेसेस में, उन ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पे बहुत सारे लोग हमें चाहिए होते हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क जब होता है तो आपको एक वर्टिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। क्लासिक एग्जांपल इज अ बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग इंडस्ट्री में जब आप देखोगे तो आपको बहुत ऊंचा स्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे कि जब मैं बैंक में काम करता था तो मैं रीजनल लेवल पे था, मेरे नीचे एक बंदा था एरिया लेवल पे, उससे नीचे एक बंदा था जो किसी एक स्पेसिफिक सिटी और क्लस्टर ऑफ सिटीज को देखता था, उससे नीचे एक बंदा था जो एक या दो आउटलेट्स को ही देखता था, फिर मेरे ऊपर मेरा जोनल मैनेजर, मेरे जोनल मैनेजर के ऊपर मेरा नेशनल मैनेजर, नेशनल मैनेजर के ऊपर बिजनेस का हेड, बिजनेस का हेड सारे 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 बिजनेसेस के हेड मिलके डिपार्टमेंट एसेट्स या लाइबिलिटीज इस तरीके से। या अगर आप सरकारी बैंक को देखें तो आपको प्यून मिलेगा, प्यून के ऊपर क्लर्क मिलेगा, क्लर्क के ऊपर आपको ऑफिसर मिलेगा, सीनियर ऑफिसर मिलेगा, मैनेजर मिलेगा, सीनियर मैनेजर मिलेगा, चीफ मैनेजर मिलेगा, AGM मिलेगा, JGM मिलेगा, DGM मिलेगा, GM मिलेगा, चेयरमैन मिलेंगे, इतने सारे लोग। तो जब बहुत सारे मैनेजेरियल लेवल्स होते हैं तो हम बोलते हैं वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और कभी कभार हमको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं जो फ्लैट है, यानी कि वहां पर बीच में मैनेजेरियल लेवल्स कम होते हैं। आपके ऊपर आपका बॉस, आपके ऊपर आपके बॉस का बॉस और एक बॉस और, तो पता लगा 5 या 6 लेवल्स में आप सीधा CEO तक पहुंच गए, है कि नहीं? तो जनरली हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी होता है। तो यहाँ पर हायरार्की वर्टिकल होती है और यहाँ पे हायरार्की फ्लैट होती है। और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन पढ़ते हैं ना तो वहां पर एक टर्म आता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि किस केस में स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा होता है। जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल में स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा होगा क्योंकि कम लोग ज्यादा लोगों को अपने नीचे मैनेज कर रहे हैं, और वर्टिकल में स्पैन ऑफ कंट्रोल कम होगा क्योंकि लोग अपने नीचे कम सबॉर्डिनेट्स को हैंडल कर रहे हैं। ये भी एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है रिगार्डिंग दी स्पैन ऑफ कंट्रोल इन बोथ दी केसेस। एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है यहाँ पे, व्हाट इज डी लेयरिंग? तो आपसे भी मैं पूछूंगा कि व्हाट इज डी लेयरिंग, सो इफ यू कैन आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू मीन बाय डी लेयरिंग, तो डी लेयरिंग बताना। अच्छा, नीचे वाले एरो से मेरे को याद आया, मेरे नीचे अगर आपको पट्टी दिख रहा होगा एक, और वो पट्टी बोल रहा है कि बॉस शाम को 8 बजे का सेशन है वर्कशॉप का, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, निशान सर लेंगे 8 बजे शाम को, डोंट मिस टू ज्वाइन दैट सेशन, दैट इज गोना हैपन टुडे इटसेल्फ। चलो जी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यू गेट टू सी अ हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो इट इज बेसिकली ट्राइंग टू अमालगमेट, इट इज बेसिकली ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट the good aspects of the various structures. So you can make a structure borrowing the aspects of other organization structures, keeping into mind your specific needs. So it is based on the characteristics of both the divisional as well as the
functional organization structure. So there is less rigidity because you have incorporated aspects from both. उसके बाद आपको देखने को मिल सकता है एक matrix organization structure. Classic example of this organization structure is any IT company. IT companies किस तरीके से काम करती हैं? वहाँ पर एक matrix structure होता है. तो एक employee basically दो लोगों से connected होता है, अपने immediate boss से और जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा होता है उसमें भी उसका सुपीरियर. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड अ प्रोडक्ट डिपार्टमेंट. सो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स एम एट पूलिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज व्हाइल द प्रोडक्ट डिपार्टमेंट एम्स एट फोकसिंग ऑन सिंगल प्रोडक्ट्स एंड ब्रिंग्स टुगेदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्किल्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंगल प्रोडक्ट. इमेजिन करो कि आप सैमसंग में एक डिजाइनर हो, आप ग्राफिक्स को डिजाइन करते हो एंड यू वर्क इन सैमसंग. अब सैमसंग में ग्राफिक्स का यूसेज तो बड़ी जगह होगा. जो आजकल जो वो चले हुए हैं वेरिएबल वॉचेस, उसमें भी बड़ा बढ़िया इंटरफेस आजकल आ गया. आपके मोबाइल फोन में भी आपको एप्स के लिए आइकन्स वगैरह चाहिए, और आजकल तो स्मार्ट टीवीज आ गए, उसमें भी आपको ऐप के लिए आइकन्स चाहिए. और कल को हो सकता है कि फ्रिज में भी कुछ टच पैनल आ जाए, वहां पर भी हो. द सेम ग्राफिक डिजाइनर वुड बी वर्किंग ऑन मल्टीपल प्रोडक्ट्स. So you may be designing an icon or some app, some interface for the touch, for the smartwatch. At the same time, he will be working maybe for the television's interface. तो अलग अलग products के भी संग काम कर रहा, और साथ में उसका एक functional department जो है graphics design. तो graphics design वाला जो बंदा होगा उसका senior उसका boss होगा, but at the same time वो जिस project में काम कर रहा उनको भी वो उनसे भी connected रहेगा. तो matrix organization structure is the other one. Then the last one that we're going to have a look at is going to be the project organization structure. Now this is based on a certain project. अब जैसे कि जब organizations किसी एक specific project पे काम करती, जैसे आपने देखा होगा कि एनजीओस हमेशा तो एक काम नहीं करते ना, कहीं से कोई ग्रांट मिला, कहीं से कोई एड आया, कहीं से कोई फंड मिला, तो जी 6 महीने इस गांव में काम कर लिया, 8 महीने उधर काम कर लिया. सो इन सच सिचुएशंस वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट गोना बी देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म. हाय मालविका, हाउ आर यू? सो इन दैट पर्टिकुलर केस दे कम अप विद अ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. इमेजिन दिल्ली मेट्रो और जयपुर मेट्रो और एनी सिटी इज कमिंग अप विद अ मेट्रो प्लान. मेट्रो डालना है और उसको डालने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट असाइन हुआ कि भाई इस पर्टिकुलर शहर में मेट्रो बनेगी. कुड यू प्लीज आंसर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सो मालविका, व्हाट वाज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? व्हाट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर? हाँ तो मैंने बताया, इट इज लाइक अ स्केलेटन डैश इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम्स, प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट्स, फंक्शंस, रोल्स. आप बताइए मालविका, एज अ क्वेरी हू इज गोना आंसर इट करेक्टली? चलो जी. सो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल बी बेसिकली फॉर दोज प्रोजेक्ट्स हुज ड्यूरेशन इज गोना बी शॉर्ट, दे नॉट गोना स्टे देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. लेट मी बी थ्रू विद द लेक्चर, आई गेट बैक टू, डोंट वरी. चलो, so these organizational structures are specific in nature and are formed for a shorter duration. So these organizations are formed to define authority, responsibility, relationships, सारा का सारा हो गया, and they are interconnected, independent and interdependent activities. चलिए जी, तो organization structure में ये 10 structures तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेना. उसके बाद आती है बात organization के design की. तो जहां पर एक स्ट्रक्चर मिमिक्स अ स्केलेटन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट गिव्स यू अ क्लियर कट आइडिया अबाउट हु इज गोना रिपोर्ट इन टू हूम, व्हाट इज गोना बी द शेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ मेनी रिपोर्टीज आर गोना बी देयर, व्हाट आर द वेरियस टास्क्स. ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन टेक्स इट अनदर स्टेप फर्दर. सो इट बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स ऑब्जेक्टिव एंड कल्चर. सी, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ढांचा बना दूं तो उससे काम नहीं बनेगा. तो अगर स्केलेटन एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो जो नर्वस सिस्टम है वो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन का हिस्सा देखा जा सकता है. तो डिजाइन जब हम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा प्रोसेस जो कि सारे के सारे स्ट्रक्चर को एक जैसे के माला होती है, धागा होता है, सारे मोतियों को इकट्ठे पिरो देता है, अलाइन कर देता है, उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन भी काम करता है.
And the main aim is to improve efficiency and effectiveness and also understand the business process, workflows, roles and responsibilities, volume of work and resources. तो ज्यादा बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगा कि किस आदमी को ये तो सीनियर है, जूनियर है, लेकिन इसका रोल क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना है, डिसीजन कैसे लेंगे. तो ये सब चीजों के बारे में हमें ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन से पता लगता है. तो इफ इन अ नटशेल वी डू वांट टू कंपेयर बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एंड एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा. सो द ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन is the process of constructing and adjusting an organization structure to achieve its business strategy and goals. तो हम ये बोल सकते हैं कि organization का structure एक process है. क्या करता है? Construct करता है और साथ में adjust करता है structure को ताकि business के goals achieve हो सके. और वहीं पर एक organization का structure क्या है? It basically is the linking of departments and job within an organization. अब ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन के की एलिमेंट्स क्या क्या हैं? तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन के बारे में पढ़े तो आपको यहां पर क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले तो यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट वर्क स्पेशलाइजेशन इज, कि भाई ये आदमी का वर्क स्पेशलाइजेशन क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मलाइजेशन. उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन. डिपार्टमेंटलाइजेशन में बहुत सारे तरीके से हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से हम डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं, फंक्शन के बेसिस पे डिपार्टमेंट बना सकते हैं, प्रोडक्ट के बेसिस पे डिपार्टमेंट बना सकते हैं. जैसे कि फंक्शन के बेसिस पे R&D, ऑपरेशंस, सेल्स, मार्केटिंग, फिनेंस. क्यों? फंक्शन मतलब किस तरीके का काम यहां हो रहा है. डिपार्टमेंट बाय प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको टाटा मोटर का एग्जाम्पल दिया. लाइट कमर्शियल व्हीकल एक प्रोडक्ट कैटेगरी हो गई. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक प्रोडक्ट कैटेगरी हो गई. हेवी कमर्शियल व्हीकल्स एक और प्रोडक्ट कैटेगरी हो गई. उसी तरीके से डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय टेरिटरी. तो जनरली जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, खासतौर पे वो कंपनीज जो एक ही तरीके का प्रोडक्ट बेचती हैं, या फिर कह लीजिए FMCG कंपनीज जो जिनका रीच और पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर भी हम टेरिटरी बांट देते हैं. सर जी मैं ईस्टर्न यूपी देखता हूँ, सर जी मैं वेस्टर्न यूपी देखता हूँ, सर जी मैं दिल्ली NCR देखता हूँ. तो मेरा एक काम करने का तरीका, क्योंकि तो एक ही जैसा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होमोजीनियसली बिक रहे हैं, तो हम यहाँ पर अपने, और ये खास तौर पर वहां भी किया जाता है जहां पर रिटेल सेल्स बहुत सारी होती है. FMCG में आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय टेरिटरी. आपको टेलीकॉम सेक्टर में बहुत देखने को मिलेगा, व्हाइट गुड्स और कमोडिटीज में देखने को मिलेगा. उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय टाइम, खासतौर पर जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, शिफ्ट का होता है काम. मैं जी मॉर्निंग शिफ्ट में हूँ, मैं जी नून शिफ्ट में हूँ, मैं जी इवनिंग शिफ्ट में हूँ. तो आपके BPOs, आपके KPOs, आपके टेलीकॉलर्स, जितने भी टेली मार्केटिंग सेंटर्स है, वहां पे डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है शिफ्ट में. अरे कहां अंग्रेजी में इतना कहां बोल रहे हैं प्रेरणा जी. आपको जो भी चीज नहीं समझ में आए आप बोल दीजिए कि सर ये वाला बता दीजिए, मैं बता दूंगा हिंदी में, ठीक है. तो डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय टाइम हो गया. इसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय कस्टमर. कई बार ये भी होता है कि हम अपने पूरे के पूरे बिजनेस को कस्टमर के हिसाब से बांट देते हैं, है कि नहीं. तो आप देखो कि जब बैंक्स की बात होती है तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स उनके लिए अलग है, विमेन के लिए अलग है, पेंशनर्स के लिए अलग है. तो इस तरीके से डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय कस्टमर भी होता है. अब ये हो गया. उसके बाद स्पैन ऑफ कंट्रोल आता है, उसके बाद सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन आता है, फिर आता है अथॉरिटी, और लास्ट में आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो चलिए देखें अब एक एक करके इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. तो वर्क स्पेशलाइजेशन से हम क्या समझते हैं? इट इज द एंटायर टास्क इज नॉट कंप्लीटेड बाय एन इंडिविजुअल, रादर इट इज ब्रोकन डाउन इनटू पार्ट्स एंड असाइंड टू अ स्पेशलाइज्ड पर्सन. एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं. जैसे मान लीजिए कि आप बैंक में गए और आपको एक अकाउंट खुलवाना है. आपने बोला भैया मेरा नौकरी लग गई, मेरा खाता खोल दो. तो इस अकाउंट को खोलने के लिए उस पर्टिकुलर बैंक की ब्रांच में हो सकता है एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो. एक क्लरिकल स्टाफ का बंदा होगा जो आपसे एप्लीकेशन फॉर्म लेगा, फॉर्म भरवाएगा, आपके KYC कलेक्ट करके चेक करेगा. तो उसका वर्क स्पेशलाइजेशन क्या है? डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करना.
और डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करना। जब वो पूरा तैयार कर लेगा, एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, आपके फोटो आ गई, आपका आधार कार्ड आ गया, सब कुछ आ गया, फिर वो अपने सुपीरियर को देगा। अब उसका स्पेशलाइजेशन क्या है कि डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करें। वो चेक करेगा भाई आधार कार्ड फोटो के हिसाब से है कि नहीं, फॉर्म सही भरा है कि नहीं भरा, वेरिफिकेशन। और हो सकता है वेरिफिकेशन के बाद एक लेवल और हो ऑथराइजेशन का, जो सब कुछ देखने के बाद अप्रूव करेगा, तब जाके आपका अकाउंट खुलेगा। और सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, डिपार्टमेंट्स में स्पेशलाइजेशन होता है। तो हम स्पेशलाइजेशन, क्योंकि पूरा का पूरा काम एक बंदा नहीं करेगा, उसके कुछ पार्ट्स एक अलग अलग लोग करेंगे। उसके बाद आती है बात फॉर्मलाइजेशन की। तो फॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर एंड इंक्लूड्स द मेंटेनेंस ऑफ दैट फॉर्मल स्ट्रक्चर ओवर अ टाइम। यानी कि एक फॉर्मल हायरार्की की बात हो रही है। यानी कि भैया मैनेजर, सीनियर मैनेजर, तो जो हम इनको एक एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन दे रहे हैं, यानी कि इनको हम एक फॉर्मल डेजिग्नेशन दे रहे हैं ताकि हम फॉर्मलाइज कर सकें स्ट्रक्चर को, कितने लेवल्स होंगे, ये सारी की सारी बात। उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन तो मैंने आपको तसल्ली से बता ही दिया, और सारी बातें मैंने आपको बहुत तसल्ली से समझाई हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय फंक्शन, डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय प्रोडक्ट, बाय टेरिटरी, बाय टाइम एंड बाय कस्टमर, मैं सारे ही आपको समझा चुका हूँ। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। और ऐसा क्योंकि आज लाइक्स बड़े कम हैं और शेयर भी नहीं किया आप लोगों ने सेशन। ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रेरणा तब होगा जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर खुद से ही डेवलप हो जाए। ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा स्टार्टअप्स में, ये आपको देखने को मिलेगा अलग अलग वीओस में, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस में, ये आपको देखने को मिल सकता है छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में, जहां पर एक बंदा आया तो दूसरा अपने आप आ गया, भाई ठीक है मैं तेरे संग काम करूंगा, भाई तू क्या काम देखेगा, चल तू ये वाला काम देख ले, मैं ये वाला। तो एनजीओज वगैरह में ही बहुत सारा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां तक का बात सबको क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़े। हाँ चलिए, अगला आता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल से हम क्या समझते हैं कि एक सुपीरियर के नीचे कितने सबॉर्डिनेट्स होंगे। इस पर भी 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाय टाइम मैंने बताया ना बच्चे, जैसे कि कहीं मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है, स्टील का प्लांट है, सीमेंट बन रहा है, तो भैया शिफ्ट लगती है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। आपने देखा होगा कई बार रेलवेज में भी गार्ड्स होते हैं, ये मेरी नाइट ड्यूटी है, मेरी सुबह की ड्यूटी है, मेरी शाम की ड्यूटी है। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय टाइम। आप देखोगे कई बार बीपीओस, केपीओस, जहां पे कॉल सेंटर चल रहे हैं, तो वहां पर भी डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय टाइम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपको देखने, भैया ये मॉर्निंग शिफ्ट वाला पूरा डिपार्टमेंट है, ये फिर इवनिंग शिफ्ट, नून शिफ्ट, इस तरीके से। स्पैन ऑफ कंट्रोल में बता रहा था कि कितने लोग किसी सबॉर्डिनेट को रिपोर्ट करते हैं। जब रिपोर्टिंग ज्यादा लोगों की होती है तो हम बोलते हैं वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल, और जब कम लोगों की रिपोर्टिंग होती है तो बोलते हैं नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो जब मैं बिल्कुल रिलेशनशिप मैनेजर लेवल पे था तो मेरा एक स्पैन ऑफ कंट्रोल बड़ा वाइड था। क्यों वाइड था? क्योंकि जितने भी मेरे नीचे रिपोर्टीज थे सब एक ही तरीके का काम करते थे, सब वेल ट्रेंड थे, और सबको मैंने क्लियर कट टास्क दे रखा था। तो भाई मेरे पास वो कम आते थे और मेरे लिए आसान था उनको मैनेज करना। फिर जब मैं थोड़ा सीनियर हो गया तो मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल उल्टा नैरो हो गया। क्यों? क्योंकि फिर मेरे नीचे अलग अलग तरीके के काम करने वाले आ गए। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड कब होता है? जब आपके नीचे सबॉर्डिनेट्स एक ही तरीके के छोटे छोटे टास्क करते हैं और उनको पहले से पता होता है क्या करना है, तो आप वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल कर सकते हो। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल कब होता है? जब सबॉर्डिनेट्स आपके यूनिक अलग अलग तरीके के काम करें और उनको आपकी सुपीरियर की मदद कई बार पड़ जाए। अब क्योंकि वो बार बार आपके पास आएंगे, उनका आपके पास आने का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, इसीलिए आपसे भी एक्सपेक्टेड है कि आप उनको समय दे सको। इसलिए आपको होगा भैया 20 लोगों को कैसे देखूंगा मैं, 2 4 दे दे भाई, दिन मेरा पूरा इन्हीं में लग जाता है। या फिर सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट्स के संग अपना भी कोई काम कर रहा हूँ, भाई मेरा भी तो काम है, मैं इनको देखूंगा तो अपना काम कम करूंगा, मेरा भी स्पैन ऑफ कंट्रोल कम कर दो। तो ऐसे केसेस में यू विल हैव अ नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, एंड दिस इज व्हाट बेसिकली द क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रेम अराउंड। इसके अराउंड आपको क्वेश्चन बहुत सारे देखने को
मिलेंगे। उसके बाद आती है बात सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब केंद्रीकरण, यानी कि हर चीज एक ही सेंटर से कंट्रोल हो। सेंट्रलाइजेशन कब होती है? जब डिसीजन मेकिंग, जब चीजें जो है सेंटर से कंट्रोल होती हैं। सो दिस रिफर्स टू द प्रोसेस इन विच एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर डन बाय द पीपल एट द टॉप ऑफ द चेन। और उसके बाद फ्लो करता है इंफॉर्मेशन टॉप से बॉटम। और डिसेंट्रलाइजेशन तब होता है जब हम सेंट्रली कंट्रोल नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि अपने अपने एंड पे कंट्रोल हो जाए। सो डिसेंट्रलाइजेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन कर दिया, भैया तुम अपने एंड पे डिसीजन लो, बार बार मुझे ना बोलो। तो जब आपके पास केपेबल टीम होती है या जब आपको लगता है कि आपके सबॉर्डिनेट्स वेल ट्रेंड हैं और डिसीजन मेकिंग केपेबिलिटी देना में उनको भलाई है, आपका समय बचेगा, आपका एनर्जी बचेगा, आप बहुत स्पीड में डिसीजन ले पाओगे, तो उस केस में डिसेंट्रलाइजेशन होता है। सो इट रेफर्स टू द असाइनमेंट ऑफ द अथॉरिटी अलॉन्ग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ईच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम भैया अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही दे देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तेरी है, अथॉरिटी भी तेरी है, तू ही सर्वे सर्वा है अपनी टेरिटरी का। तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। अब मेरा पाला कब पड़ा सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन से, तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ अपने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंसेस का। सो सन 2005, 2005 आई वाज वर्किंग विद आईसीआईसीआई बैंक एंड आई वाज टेकिंग केयर ऑफ अ टेरिटरी इन दिल्ली एनसीआर रीजन। मेरठ पे मैं पोस्टेड था, क्लोज टू दिल्ली एनसीआर, और आई ज्वाइंड इन एज अ न्यू मैनेजर, एज अ न्यू मैनेजर। तो अब हुआ क्या कि शुरू में मेरी ट्रेनिंग हुई, मैं पोस्टेड हुआ और छोटे छोटे कामों के लिए मैं अपने बॉस को फोन करता। तो मैंने कहा बॉस ये ऐसा काम हो गया, ये ऐसा काम हो गया, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एफएमसीजी का था और मैं एकदम एफएमसीजी से नेस्ले से आ गया आईसीआईसीआई बैंक। तो नेस्ले में जो मेरे बॉस थे, क्योंकि नेस्ले का स्ट्रक्चर अलग है, आईसीआईसीआई एक बैंक है उसका स्ट्रक्चर अलग है। तो मैं बैंक में आया तो वहां आदत थी कि भाई बॉस को लूप में लो, बॉस को बताओ, बॉस को करो। अब मैं जो भी डिसीजन लूं बॉस को बताऊं, जो भी डिसीजन लूं बॉस को बताऊं। एक दिन बॉस ने मुझे बोल ही दिया, कहते यार तू हर बार को बताता क्यों है। मैंने कहा बॉस वो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए। कहते भैया आई एम नॉट, यू आर द बॉस ऑफ योर ओन टेरिटरी, तो ये डिसीजन तुम लो, तुम ही आंसरेबल हो। कोई प्रॉब्लम हो, मेरी हेल्प चाहिए हो, तभी मुझे कॉल करना। ये छोटे मोटे डिसीजन अपने अपने एंड पे लेते रहो, बिकॉज यू आर दी बॉस। तुम्हारे नीचे जितने लोग हैं उनके बॉस तुम हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है तुम कैसे चला रहे हो। तो दैट इज हाउ डिसेंट्रलाइजेशन वर्क्स एंड दैट इज हाउ वी एम्पावर दी सबॉर्डिनेट्स ऑल्सो, राइट। तो एक टर्म है एम्पावरमेंट। सो इन विच वे यू कैन एम्पावर योर सबॉर्डिनेट्स, द करेक्ट लिंक टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वुड बी बाय डिसेंट्रलाइजेशन, बाय गिविंग देम बोथ द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक डिसीजन। सो दैट इज ऑल अबाउट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ लेते हैं। अथॉरिटी का मतलब है फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल और लीगल पावर इन अ पर्टिकुलर जॉब। तो अथॉरिटी भैया गए और कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोर्ट में केस चला, जज साहब ने सजा सुना दी, तो जज साहब के पास अथॉरिटी है कानून के द्वारा। उसी तरीके से अगर आपके सीनियर है, आपके बॉस को किसी ने अपॉइंट करा है, तो उनके पास अथॉरिटी है आपसे काम करवाने की। तो अगर आप काम पे नहीं जाओगे तो आपकी एब्सेंट लगा सकते हैं, आप काम अच्छे से नहीं करोगे तो वो एक कमेंट डाल सकते हैं, उनकी अथॉरिटी के अंदर है, आपको रेप्रीमांड कर सकते हैं। तो इस तरीके से, तो जो लीगल या इंस्टीट्यूशनल तरीके से आपको दी गई है वो आपको अथॉरिटी है। फंक्शन और पोजीशन दैट एम्पावर्स, देखो आ गया बात यहाँ पे, एम्पावर्स द होल्डर ऑफ दैट जॉब। जब हम एम्पावर करते हैं तो हम अथॉरिटी भी दे देते हैं, फंक्शन और पोजीशन ऑफ टू सक्सेसफुली परफॉर्म दिस पर्टिकुलर टास्क। सो अथॉरिटी इज डिफाइंड एज द राइट ऑफ द सुपीरियर, का हक है। बोलेगा भैया किस अधिकार से, भैया मैं तेरा बॉस हूं, मेरे को पूरा अधिकार है ये काम करवाने का या नहीं करवाने का। सो टू गिव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू हिज सबॉर्डिनेट्स टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। जंग के मैदान में मान लीजिए सुपीरियर बोलता भाई चला गोली, अब तुमको भाई हम नहीं चलाएंगे। अरे भैया मैं तेरा बॉस हूँ, हाउ कैन यू से नो टू मी, आई एम दी अथॉरिटी ओवर हियर। सो दैट इज हाउ इट बेसिकली वर्क्स, राइट। सो विद अथॉरिटी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच मीन्स अ ड्यूटी असाइंड टू अ पर्सन एट द टाइम ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो
रिस्पॉन्सिबिलिटी से समझते हैं कि एक ऑब्लिगेशन है टू डू समथिंग, आपका दायित्व है ये करना, तो आप ऑब्लाइज्ड हैं इस काम को करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में. सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट्स टू परफॉर्म द ड्यूटीज एंड टास्क. तो अगर सुपीरियर ने बोला है कि भाई ये काम होना है, तो आप कहोगे सर जी हाँ ये कर देंगे, तो आपने अथॉरिटी से बोला, आप जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सुबॉर्डिनेट की उस काम को करने की. सो अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, लेकिन आप अथॉरिटी तो डेलीगेट कर सकते हो, एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकते. तो ये बात हो गई. तो ये था एक छोटा सा सेशन मेरी तरफ से टू गिव यू अ ग्लिम्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन. क्योंकि मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि हमारे निशांत सर का सेशन है 8 बजे, जोरदार एक वर्कशॉप हम कर रहे हैं. और जो है आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज्वाइन करें. सर तब स्पैन ऑफ कंट्रोल यूनिटी ऑफ कमांड, नहीं बेटा, स्पैन ऑफ कंट्रोल यूनिटी ऑफ कमांड का ऑपोजिट नहीं होगा. यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि आपको एक ही सुपीरियर से इंस्ट्रक्शन आने चाहिए, तो एक सबॉर्डिनेट के मल्टीपल सबॉर्डिनेट्स के बहुत सारे बॉसेस नहीं हो सकते. तो अगर एक ये बंदा है, एक ये बंदा है, एक ये बंदा है, तीनों का एक ही बॉस है, इसको भी एक ही बंदे से कमांड मिल रहा है, इसको भी और इसको भी, यूनिटी ऑफ कमांड. इसी तरीके से जो यहां पर बैठा है बंदा, उसका भी एक ही बॉस होगा. सबॉर्डिनेट्स तो मल्टीपल हो सकते हैं, बॉस आपका एक ही होगा, इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी मतलब ओनली वन पर्सन कमांडिंग यू, इस तरीके से बात. तो आशा करता हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, और इसी तरीके से जुड़े रहें और सेशन को ज्वाइन करना ना भूलें. तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय.